नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है यमुनोत्री धाम, और अगर इसी यमुनोत्री विधानसभा सीट की बात करें तो उत्तराखंड गठन के बाद हुए चार चुनाव का विश्लेषण बताता है यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है, यहाँ पर व्यक्ति आधारित राजनीति को ज्यादा महत्व यहाँ का वोटर देता है। इसको चारों विधानसभा परिणाम देखकर आसानी से समझा जा सकता है। 2002 में यमुनोत्री सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रीतम पवार ने जीत दर्ज की, उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को 2485 वोट से हराया। इसके बाद 2007 में कांग्रेस के केदार सिंह ने यूकेडी के प्रीतम सिंह पवार को 3328 वोट से हरा दिया, और 2012 में प्रीतम सिंह ने केदार सिंह को 2596 वोट से हरा दिया। आप देख रहे होंगे जीत और हार का अंतर 2500 से 3000 वोट के बीच ही रहा है, लेकिन 2017 में थोड़े से समीकरण बदले, लेकिन जो कि मैंने कहा यहां पर दल नहीं व्यक्ति को अहमियत दी जाती है, यह सिलसिला 2017 में भी जारी रहा। 2017 में केदार सिंह रावत ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा से चुनाव लड़ गए। यमुनोत्री सीट पर भाजपा इससे पहले कभी नहीं जीती, लेकिन केदार सिंह भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के संजय डोभाल को 6000 के करीब वोट से शिकस्त दी। लेकिन इस सीट पर 2022 की जो जंग है उसके लिए हालात बहुत सामान्य नहीं है। भाजपा में भी दावेदारों की लंबी लाइन है और कांग्रेस में तो तगड़ी बगावत की रूपरेखा लिखी जा रही है। दरअसल उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण की कांग्रेस में वापसी हुई है, वो यहां से टिकट के दावेदार है। इससे यहां के कांग्रेसी स्थानीय कांग्रेस इतने नाराज हुए कि प्रदेश महासचिव अतुल रावत और उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को फोन मिला दिया। उन्होंने देवेंद्र यादव से सीधे सीधे कहा कि यमुनोत्री सीट पर संजय डोभाल बहुत मजबूत स्थिति में है, किसी भी अन्य को यहां पर आने नहीं दिया जाएगा, विरोध किया जाएगा। अतुल रावत का कहना है कि अगर टिकट बदला गया तो जिले की तीनों सीटों के समीकरण बदल जाएंगे। आप इसे सीधे सीधे धमकी भी कह सकते हैं। अब अगर भाजपा की बात की जाए तो यहां पर भी टिकट के दावेदारों की बड़ी लंबी लाइन है। मौजूदा विधायक के साथ साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी, पूर्व दर्जाधारी राम सुंदर नोटियाल यहां पर लाइन में है। हालांकि ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार भाजपा में शामिल हो गए हैं और यमुनोत्री सीट उनका पुराना मैदान रही है, वो यहां से दो बार विधायक चुने गए हैं। और हरक सिंह रावत ने भी चुनाव लड़ने के लिए जो लिस्ट भाजपा को थमाई है उसमें यमुनोत्री का भी नाम शामिल है। इसी के साथ मौजूदा विधायक केदार रावत का भी कहना है कि मेरी तैयारी पूरी है, मैं पूरे 5 साल तक यहां की जनता की सेवा में लगा रहा हूं, मैं हर परिस्थिति में चुनाव मैदान में खड़ा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार यमुनोत्री सीट पर बहुत सारे दिग्गजों की नजर है, इसीलिए यमुनोत्री सीट खास है। देखते हैं इस बार यमुनोत्री का मतदाता किसकी नैया पार लगाता है और टिकट से पहले कि राजनीति क्या करवट लेती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।